हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दैनिक विजय अकादमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पर सेफ होंगे। देखिए, ये है आपका रिवीजन क्लास 9। रिवीजन हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे एसएससी के द्वारा जो भी एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं, जैसे कि सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, स्टेनोग्राफर, और जो आपके फेज वाइज जो एग्जाम होते हैं उनका भी यहाँ पर जो है आपको रिवीजन क्लास प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक, क्योंकि कोविड के बाद जो है आपके एग्जाम्स जो है सारे भी जो है वो आपका रिशेड्यूल्ड होगा। जैसे कि सीएचएसएल का एग्जाम चल रहा था, वो आपका शुरू होगा। फिर सीजीएल का फॉर्म फिलअप हुआ है, उसका एग्जाम होना है, एमटीएस का होना है, स्टेनोग्राफर का होना है, सीपीओ का होना है। तो इन सारे एग्जाम्स के लिए जो है आपको यहाँ पर रिवीजन क्लास दिया जा रहा है। इन रिवीजन क्लास में आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ओडब्ल्यूएस, आईपी और ग्रामेटिकल रूल्स, इन पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। ठीक, इन पर ज़्यादा आपको ध्यान दिया जा रहा है, और दो चार लेसन जो है आपको जो है पूरे तरीके से प्रोवाइड किया जाएगा वॉइस पे, ताकि जितने भी क्वेश्चंस एसएससी द्वारा पूछे जाते हैं, जिस प्रकार से वो आपका पीक्यूआरएस और नारेशन, इस पर जो है अलग से जो है आपको लेसन प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें 10-10 क्वेश्चंस होंगे। आपको एकदम अच्छे से जो है पूरे रूल के साथ समझा दिया जाएगा। ठीक, तो जो भी लेसन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है एकदम कम्प्लीट देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 मिनट का रहता है। हम कोशिश करते हैं कि और छोटा कर सकें, लेकिन समझाने के लिए जो है हमें थोड़ा समय लेना पड़ता है, इसलिए जो है ये 8 से 10 मिनट का है। आप चाहें तो आराम से इसे देख सकते हैं, ज़्यादा समय नहीं इसमें लगेगा। ठीक, इसके अलावा हम लोग एमबी पब्लिकेशन बुक से सॉल्यूशन कर चुके हैं 2016, 2018, 2020 और 2019 का। ठीक, तो अभी हम लोग 2020 जो सीजीएल का मेंस का एग्जाम हुआ था 16 नवंबर 2020 को, उसका हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। यहाँ पे डायरेक्शन है कि इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट व्हिच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर, यानी कि आपको एक सेंटेंस दिया गया है उसमें ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करना है। द लॉन्च ऑफ द स्मॉल इलेक्ट्रिक कार विल डिपेंड to the willingness of buyers to pay more for it. The launch of the small electric car, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ठीक, will depend, यानी कि यह निर्भर करेगा to the willingness of buyers to pay more for it. अब देखिए यहाँ पर एक word use हुआ है depend. Depend मतलब होता है निर्भर करना। Depend मतलब क्या होता है? निर्भर करना। और इसके साथ हम preposition पढ़ चुके हैं कि on का या फिर अपॉन का यूज होता है। तो यहां पर चुके जो है टू का यूज हुआ है, तो एरर हो जाएगा आपका कौन सा ऑप्शन, यहाँ पे ए का। ठीक है, डिपेंड के साथ हम प्रीपोजिशन हमेशा ऑन का यूज करेंगे। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन ए, चूंकि यहाँ पर टू का यूज हुआ इसलिए इसे रिमूव करिए टू को और ऑन का यूज करिए। ठीक, ऑन और अपॉन ये दोनों में जो है माइनर जो है कंपैरिजन है। तो ये जो है हम लोग फिक्स्ड प्रीपोजिशन में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि कहाँ पर हम लोग ऑन का यूज़ करते हैं और कहाँ पर अपॉन का यूज़ करते हैं। तो अगर आपको फिक्स्ड प्रीपोजिशंस, जो कि हर एग्जाम में आपको काम आएगा, इंग्लिश के क्वेश्चन जिस एग्जाम में पूछे जाते हैं वहाँ पर आपको ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन काम आएंगे। तो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है लिंक, आप जाकर लेसन को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, यहाँ पर आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। द मर्चेंट टुक आउट द डेड पैरट फॉर द केस। तो वॉइस जब भी हम बनाएंगे तो हमें समझना होता है कि पहले जो हमारा गिवन सेंटेंस है वो किस पार्ट में है, यानी कि किस फॉर्म में है। तो दो आपका द मर्चेंट सब्जेक्ट और टू काउट यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म। सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट आपका वर्ब आया है, सेकंड फॉर्म में, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म, यानी कि आपका सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट में। ये हम लोग टेंस और वॉइस जब हम लोग कर रहे थे, सीख रहे थे लेसन को, तो यहाँ पर हम लोग जो है सीख चुके हैं। तो अगर आपको टेंस ऑफ वॉइस में किस प्रकार की दिक्कत है तो आप डिस्क्रिप्शन में या फिर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देखेंगे एसएससी 4-5 डेज प्लेस को। ठीक, एसएससी 4-5 डेज प्लेस, इसमें आपको टेंस और वॉइस साथ साथ सिखाए गए हैं। तो यहाँ पर जो हम लोगों ने समझा कि हमारा सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट में है, तो जब हम इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो वाज या वेयर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। ठीक, ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन में टुक आउट, यहाँ पर वाज वेयर का यूज हुआ ही नहीं, एलिमिनेट, इज का यूज हुआ है, एलिमिनेट, क्योंकि हमारा रूल का क्या कहता है कि वाज अवेयर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। वाज अवेयर का यूज तो हुआ है, लेकिन ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज हो गया, इसलिए भी एलिमिनेट। तो एक ऑप्शन आपका यहाँ पे देखिए, वाज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, राइट आंसर इज द ऑप्शन डी। तो बस आपको रूल्स को ध्यान रखना है, आपने हेल्पिंग वर्ब को सिर्फ देखा और अपने ऑप्शन को एलिमिनेट करके राइट आंसर पे आप आ गए। क्वेश्चन नंबर थ्री, यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेगमेंट में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाए। दे डिसीडेड मी ऑफ विजिटिंग द वॉर मेमोरियल बट आई रियली वॉन्टेड टू सी इट। डिसीड मतलब होता है कि मना करना। ठीक, डिसीड मतलब होता है कि मना कर लेना। तो यहाँ पर जो है डिसीड मतलब हो गया मना करना। दे डिसीडेड मी, अब यहाँ पर जो आपका अंडरलाइन सेक्शन है वो है आपका ऑफ विजिटिंग। डिसीड के साथ जो है हम लोग क्या प्रीपोजिशन यूज करते हैं, डिसीड के साथ हम लोग प्रीपोजिशन यूज करते हैं फ्रॉम का।
ठीक है। डिसीड के साथ हम लोग क्या प्रीपोजिशन यूज करते हैं, फ्रॉम का। दे डिसीडेड मी ऑफ विजिटिंग द वॉर मेमोरियल बट आई रियली वांटेड टू सी इट। ठीक, यहाँ पर देखिए आपका एक वर्ब है और दूसरा वर्ब जो है अपने जेरंड फॉर्म में है, तो ये भी आपका रूल सही है। तो यहाँ पर जो है हम जाएंगे ऑप्शन सी यानी कि फ्रॉम वाले ऑप्शन के साथ। तो ध्यान रखिएगा डिसीड के साथ आपको प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज करना होता है। क्वेश्चन 4, यहाँ पे आपको इडियम का अर्थ बताना है, द क्रक्स ऑफ द मैटर, इसका मतलब होता है द क्रूशियल पॉइंट ऑफ एन इशू, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है आप उस पर काम करते हैं। द अननोन पॉइंट यानी कि जो अज्ञात पॉइंट है, द लेजर इशू यानी कि जिसका कम महत्व है, द क्रिटिकल पॉइंट यानी कि जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। राइट आंसर इज द ऑप्शन सी, द इंटरेस्टिंग थिंग यानी कि जो सबसे रुचिकर जो चीज है। क्वेश्चन 5, यहां पे आपको फिर से इडियम का अर्थ बताना है, फोर कॉर्नर्स ऑफ द अर्थ, इसका मतलब क्या होता है। फोर कॉर्नर्स ऑफ द अर्थ मतलब होता है ऑल पार्ट्स ऑफ अर्थ वर्ल्ड, यानी कि पूरे दुनिया का जो है आपने हर एक कोना घूम लिया है। ठीक, ऑप्शंस देखिए, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग यानी कि एकदम शुरुआत से, फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट यानी कि सुबह से रात, फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। राइट आंसर इज द ऑप्शन सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अगर आपको इस लेसन का पीडीएफ चाहिए प्रीवियस लेसन का भी, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। क्वेश्चन 6, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। वन ऑफ देम वुड कीप अ लुकआउट ऑन द रोड बिहाइंड टू वार्न अस, फिल इन द ब्लैंक, अप्रोचिंग व्हीकल्स। यहाँ पर देखिए यूज हुआ है एक वर्ड वार्न। ठीक, तो वार्न के साथ हम प्रीपोजिशन ऑफ का भी यूज करते हैं और वार्न के साथ जो है हम लोग प्रीपोजिशन अगेंस्ट का भी यूज करते हैं। अब दोनों में अंतर क्या है, हम लोग फिर प्रीपोजिशन में सीख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर फिर से हम यूज सीखेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए दोनों ऑप्शन जो है गिवन है, ऑफ भी और अगेंस्ट भी। तो यहाँ पर जो है हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पर जो हम लोग यूज करने वाले हैं वो क्या यूज करने वाले हैं, ऑफ का। ठीक है, यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे ऑफ का। वार्न ऑफ का अगर हम यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप जो है किसी को डेंजर के अगेंस्ट जो है, डेंजर के बारे में जो है आप उसको वार्न करना चाहते हैं यानी कि चेतावनी देना चाहते हैं। ठीक, लेकिन अगर आप अगेंस्ट का यूज करते हैं, वार्न अगेंस्ट का, तो इसका मतलब होता है, अगर आप अगेंस्ट का यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो व्यक्ति जो है कोई गलती किया है, यानी कि एट फॉल्ट, यानी कि अगर वो व्यक्ति गलती कोई कर रहा है तो आप उसको चेतावनी देंगे, तो आप अगेंस्ट का यूज करेंगे। लेकिन अगर आप किसी व्यक्ति को किसी खतरे के लिए चेतावनी देना चाहते हैं कि कोई खतरा होने वाला है, तो उसके साथ जो है आप वार्न के साथ प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करिए। तो यहाँ पर देखिए वो रोड पर ध्यान देने के लिए कर रहा है, यानी कि कोई खतरा, रोड पर एक्सीडेंट हो सकता है, तो यहाँ पर ये खतरे के बारे में है, इसलिए जो हम यहाँ पर ऑफ का यूज करेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे आपको idiom phrase का अर्थ बताना है, अ मैन ऑफ मेनी पार्ट्स, इसका मतलब क्या होता है। अ मैन ऑफ मेनी पार्ट्स, अ मैन विद ग्रेट एबिलिटी, यानी कि जो सबसे बढ़िया, जिसके पास महान एबिलिटी, बहुत ही क्षमता, अच्छा हो। अ मैन ऑफ सुपीरियर एबिलिटी, राइट आंसर इज द ऑप्शन ए यानी कि सर्वोत्तम। बाकी ऑप्शंस हैं, अ हाईली रिस्पॉन्सिबल मैन यानी कि जो जिम्मेदार व्यक्ति है, अ वर्कहोलिक पर्सन यानी कि जो काम करने में जो है ध्यान रखता है, मतलब कि उसे काम करना पसंद है। अ मैन ऑफ प्रिटेंशन यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो दिखावे में विश्वास करता है। क्वेश्चन नंबर 8, द सिनोनिम आपको बताना है किंडल का। किंडल मतलब होता है उत्तेजित करना, भड़काना। अब इसका सिनोनिम पर्यायवाची शब्द क्या होगा, नॉक। नॉक मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है खटखटाहट। किक यानी कि लात मारना, इग्नाइट यानी कि भड़काना, आग लगाना। राइट आंसर इज द ऑप्शन सी, गैजेट यानी कि यंत्र, यंत्र। क्वेश्चन 9, यहाँ पे फिर से आपको सिनोनिम बताना है लाउड का। लाउड मतलब होता है प्रशंसा करना, इसका पर्यायवाची क्या होगा, प्रेज यानी कि प्रशंसा करना। राइट आंसर इज द ऑप्शन ए, इम्फैटिक। इम्फैटिक मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जोरदार, जैसे कि कोई जोरदार मुक्का आपको मार दिया, वो हो गया आपका इम्फैटिक, या फिर दृढ़ भी होता है, तो ध्यान रखिएगा। राउडी, राउडी मतलब क्या होता है, उपद्रवी, दंगाई, वॉइस्टर्स यानी कि शोरगुल, उपद्रवी, बहुत ही कोलाहलपूर्ण। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे आपको एंटोनिम बताना है, एंटोनिम यानी कि विपरीत, शीकल का, इसका मतलब होता है शोरगुल। अब इसका विपरीत क्या होगा, स्क्रीच यानी कि चीख, पुकार, ट्रैंक्विल यानी कि शांति। राइट आंसर इज द ऑप्शन बी, श्रीक यानी कि आपका हो गया कर्कश, कर्कट आवाज का। राइट आंसर इज द यहाँ पे ऑप्शन सी। तो ये है आज के इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन जो आपको डेली प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो लेसन को कंप्लीट देखकर लाइक करिए, शेयर करिए, अगर आप चैनल पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे, आप अपडेट होते रहें। और हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप उसे ज्वाइन करके वहां पर से आप 20 या 25 दिन पहले के स्क्रॉल करके ऊपर जाएंगे, तो आपको इस प्रकार के जो पीडीएफ्स हैं, सिनोनिम, एंटोनिम्स, पार्ट 1, पार्ट 2, ऐसा करके आपको सारे लेसन जो जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वैसे वैसे आपको ये मिलते जाएंगे। ठीक, जो सारे एमबी पब्लिकेशन बुक्स हैं, प्रीवियसली आस्क्ड हैं, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं आगे के लेसन में। थैंक यू।